अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूवर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल के टिक्का सैंडविचेस। टिक्का सैंडविचेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन ले ली है, बोनलेस चिकन है हमारे पास, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में जो है वो काट लिया है। 250 ग्राम के करीब चिकन है हमारे पास यहाँ पर। यहाँ जो है वो हमने एक खीरे के स्लाइसेस कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हमने ब्रेड लिए हैं, ये 8 पीस है ब्रेड के, आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर चिकन में मिलाने के लिए जो स्पाइसेस लिए हैं, धनिया पाउडर है हमारे पास, नमक है, यहाँ हमारे पास पिसी लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, चिली गार्लिक टोमेटो केचप लिया है हमने यहाँ पर। तो चलिए हम अपना चिकन टिक्का सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन में स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लाल पिसी मिर्चों का पाउडर जो कि है 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब है ये। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये भी 1/2 टेबल स्पून के करीब है। धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1/2 टेबल स्पून के करीब है। नमक डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन सब स्पाइसेस को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। व्यूवर्स, चिकन में हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं, इसको कुक करते हुए ऐड नहीं करेंगे। अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, चिकन जो है वो हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। व्यूवर्स, चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम जो है वो इसको कुक करेंगे। व्यूवर्स, चिकन को कुक करने के लिए हम एक बर्तन में सारा चिकन डालेंगे। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना हमें, अच्छी तरह से हम इसके मसाले को साफ करके इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से जो है वो हम चमचा चला लेंगे इसमें। फ्लेम को हमने अपनी मीडियम रखा हुआ है। हमें इसमें कोई पानी वगैरह, कोई ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। ऑयल हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं और ये चिकन जो है वो अपने ही पानी में गलेगी। व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग चिकन को पकते हुए, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, चिकन भी हमारा इसी में गल जाएगा। इसको हम कवर कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और तब तक जो है वो चिकन हमारा गलने तक के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग चिकन जो है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। व्यूवर्स, अब हम जो है वो सारे चिकन को एक कटर बोर्ड पर डालेंगे। इस तरह से हम इसको कटर बोर्ड पर डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह प्रेस कर सारी बोटियों को जो है वो तोड़ लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे इसको और सारी बोटियों को तोड़ लेंगे। देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग, सारी अपनी बोटियों को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। बहुत छोटा छोटा नहीं करना है इसको। अब हम जो है वो अपने सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, यहाँ हमने जो है वो अपने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, इनके किनारों को हमने अलग कर लिया था। अब हम इस तरह से एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम जो है वो मेयोनीज लगाएंगे इस तरह से। मेयोनीज में हमने जो है वो 3 से 4 लहसुन के जवे जो है वो पीस कर जो है वो डाल दिए थे।
अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन जो हमने यहाँ पर अपना तोड़ कर रखा हुआ है ये हम इसमें डालेंगे। इस तरह से चारों तरफ फैलाकर इसको डाल देंगे। अब हम दूसरा ब्रेड रखेंगे अपना। इसके ऊपर हम जो है वो चिली गार्लिक टोमेटो केचप जो हमने रखा हुआ था वो लगाएंगे। इस तरह से लगा देंगे ये इसके ऊपर। यहाँ हम इसके ऊपर रखेंगे खीरों के स्लाइसेस जो हमने काट कर रखे हुए थे वो। इस तरह से हम ये रख देंगे इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। इस पर भी हम मेयोनीज लगाएंगे इस तरह से। इस पर भी हमने मेयोनीज लगा दिया है। अब हम इस पर भी जो है वो अपनी चिकन की जो हमने स्लाइस रखे हुए थे तोड़कर वो लगाएंगे। इस तरह से लगा दिए हैं हमने इस पर भी स्लाइसेस अपने। हम अपनी लास्ट ब्रेड के ऊपर जो है वो केचप लगाएंगे। इस तरह से केचप लगा देंगे इसके ऊपर भी। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसको सैंडविच स्टाइल में कट करेंगे। देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग, इसको जो है वो हमने इस तरह से सैंडविच स्टाइल में काट लिया है। अब हम एक प्लास्टिक रैप लेंगे और इसको बिल्कुल बेकरी जैसी शक्ल देने के लिए हम इसको प्लास्टिक रैप में जो है वो पैक करेंगे। इस तरह से इसको हम प्लास्टिक रैप में रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पैक कर लेंगे इसको कि पूरी तरह से कवर हो जाए। प्लास्टिक रैप को कट करेंगे। व्यूवर्स इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, हमने सैंडविचेस को प्लास्टिक रैप में रैप कर लिया है। बाकी के सैंडविचेस भी हम इस तरह से ही बना लेंगे और उसको भी इस तरह से प्लास्टिक रैप में रैप कर देंगे। व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, हमारे मज़ेदार से टिक्का सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे लग रहे हैं ये। आप लोग इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, टी टाइम्स में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ये। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.